नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जनवरी गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों की जमीन को क्रुक नहीं किए जाने के बिल के नाम को लेकर राजभवन और सरकार के आमने सामने होने के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने विधानसभा से सिविल प्रोसीजर कोड में संशोधन कर राज्यपाल को भेजा है। राज्यपाल इस बिल को केंद्र सरकार को भेजेंगे और अगर केंद्र सरकार उसे मान लेगी तो राजस्थान में उन किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो सकेगी। इस विधेयक के नाम तकनीकी रूप से अलग हो सकता है, लेकिन राजस्थान विधानसभा ने यह कानून पास किया है। यह तो सबके पास रिकॉर्ड में है। अब राजभवन अगर यह कहता है कि इस नाम का कानून हमारे पास नहीं आया तो यह हो सकता है कि नाम में फर्क हो, लेकिन हमने जो बिल पास किया वह 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों की जमीन नीलाम नहीं किए जा सकने का बिल था। नागौर जिले के मारोड़ थाना क्षेत्र में शादीशुदा महिला के भाग जाने से उसके परिजन इतना नाराज हुए कि उन्होंने दिन दिहाड़े प्रेमी के 3 दोस्तों को किडनैप कर लिया और उनसे जबरदस्त मारपीट की। पुलिस ने बताया कि शादीशुदा महिला घर से गायब हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। कुछ दिन बाद वह एक युवक के साथ थाने में पेश हो गई। इस पर पुलिस ने दोनों को दस्तयाब कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। ये बात जब महिला के परिजनों को पता चली तो वे आग बबूला हो गए। उन्हें पता चला कि प्रेमी युवक के दोस्त सांबर चौराहे पर खड़े हैं। इसके बाद परिजन तीनों युवकों लक्ष्मण राम, शंकरलाल, सुरेश कुमार जाट निवासी दीपपुरा पर हमला बोल दिया। मारपीट करते हुए तीनों को अपहरण कर गए। सूचना पर पुलिस ने पीछा कर 4 आरोपियों हीरालाल, चैनाराम, भंवरलाल और हेमाराम निवासी शेरपुरा को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पंजाब नंबर की एक कार भी जब्त कर ली है। परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने NTPC और श्रेणी 1 की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ था। रेलवे ने परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच के लिए समिति गठित की है। रेलवे प्रवक्ता ने बुधवार 26 जनवरी को जानकारी दी कि उम्मीदवारों के विरोध के बाद रेलवे ने NTPC और लेवल 1 की परीक्षा स्थगित की है। इसके साथ ही रेलवे ने प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों की शिकायतों की जाँच के लिए समिति गठित की है। बता दें कि RRB, NTPC, CBT, 1 रिजल्ट को लेकर युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में व्यापारी को महिला ने मदद के बहाने प्यार के जाल में फंसाकर हनी ट्रैप का शिकार बना दिया। पुलिस ने बताया कि जगदम्बा कॉलोनी का रहने वाला मुरारीलाल घंटागर रोड से होकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक महिला ने रोककर पुरानी जान पहचान होने का हवाला देकर 2000 रुपये की मदद मांगी। अधेड़ ने महिला को रुपए दे दिए। पुलिस ने बताया कि महिला महादेवी ने रुपए लौटाने के लिए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अपने मिलने वाले घर के बाहर बुलाया। इस दौरान मकान मालिक सीताराम घर में आया। सीताराम ने अधेड़ से 4 लाख रुपये की मांग की। रुपए ना देने पर रेप के मामले में फंसाने की धमकी दी। घबराए अधेड़ ने 2 लाख रुपये में सौदा तय कर लिया। 2 किश्तों में 1.5 लाख रुपये दे दिए। पुलिस ने जांच करते हुए ब्लैकमेल करने के आरोपी सीताराम को हिरासत में लिया है। पुलिस फरार महिला की तलाश कर रही है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल के 12वीं कक्षा के 2 छात्र नाबालिग को बाइक पर बिठाकर ले गए और जंगल में ले जाकर एक छात्र ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। लहूलुहान हालत में आरोपी बालिका को घर के बाहर छोड़ गए। पीड़िता के पिता ने नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अगले हफ्ते 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2022 में रेल किराए को लेकर सरकार बड़ी राहत दे सकती है। महामारी से प्रभावित भारतीय रेल यात्रियों को सहूलियत देने के लिए बजट में रेल किराए में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार माल भाड़े अथवा यात्री किराए में बढ़ोतरी करने के बजाय रेलवे के खर्चे पूरे करने के लिए बजट से अलग से फंड का प्रावधान कर सकती है। कोरोना महामारी से प्रभावित 2021-22 में भी रेलवे माल ढुलाई से होने वाली आय में 25% की वृद्धि हासिल करने के करीब है। माना जा रहा है कि चालू वित्त वर्ष में रेलवे को माल ढुलाई से करीब कुल 1.45 लाख करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है। यात्री किराए से भी रेलवे की कमाई 10% बढ़ने का अनुमान है, लिहाजा बजट में किराया बढ़ाने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं होगी।
बिहार के बक्सर में झंडा फहराने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बक्सर के नाथूपुर प्राथमिक विद्यालय में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब झंडा फहराने के दौरान करंट की चपेट में स्कूल के बच्चे आ गए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है जबकि चार बच्चे बुरी तरह घायल हैं। उनका इलाज बक्सर सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना में जानकारी देते हुए बच्चे के परिवार वालों ने बताया कि बच्चे स्कूल में झंडा फहराने के लिए पहुंचे थे, तभी झंडे वाले पाइप में करंट आ गया जिसके चपेट में स्कूली बच्चे आ गए। पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर पाइप में करंट कैसे आया। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में झोलाछाप चिकित्सकों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वरूपगंज में झोलाछाप डॉक्टर को उपचार करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी शर्मा ने की। बता दें कि अब तक 17 झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा चुकी है। चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा भी बरामद किया है, साथ ही अन्य सामग्री को भी जब्त किया है। पाली जिले के अमीरगढ़ तहसील में इकबालगढ़ नेशनल हाईवे पर दो बाइक की आमने सामने भिड़त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां रोकी और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित किया और एक व्यक्ति को गंभीर हालत में पालनपुर रेफर किया। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो बाइक की आमने सामने भिड़त हो गई। हादसे में मोहन नाथ की मौत हो गई और एक व्यक्ति सोमाराम का गंभीर हालत में उपचार जारी है। सीकर जिले के श्री माधोपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर के डेरावली रेलवे फाटक के पास एक हादसा हो गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान बिरबल देवदा निवासी गांधीवाला के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।